आज बाद नमाज जुमा रियासती सदर एडवोकेट्स फोरम फॉर जस्टिस व सालिखा रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट की तरफ से और उनके घर टोली चौकी में खसूसी दरुद शरीफ की महफिल और दुआ का एहतमाम किया गया, जिसमें खासकर टीआरएस की मनोगर असेंबली इलेक्शन में भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआ की गई और बीआरएस के जरिए अल्लाह सुबहान ताला वजीर आला केसीआर को मुल्क का वजीर आजम बना दे और केटीआर रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बने, इस जिमन में दुआ की गई और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में हमेशा सेक्युलर पार्टी की हुकूमत रहे और हमारी जमात के मुस्लिम कायदीन की अल्लाह ताला मेहनतों को कबूल करते हुए उनको अच्छे से अच्छे ओहदे पर अता फरमाए। जुम्मे का मौका है और कल यानी आज 5 नवंबर, कल 6 नवंबर है, मंगोड़ इलेक्शन के नतायज आने वाले हैं। खसूसन वो नतायज को जिम्मत में रखते हुए जो बाई इलेक्शन रखा गया था, इसलिए 16-17 दिन से हम लोग भी वहाँ पर रेगुलर काम कर रहे थे। आज खसूसन कल इलेक्शन होने के बाद 51 ऑफिसर पोलिंग के बाद आज खसूसन यहाँ पर मेरे घर पर दुआ और दरुद का छोटा सा दस्तरखान रखा गया था, जिसमें 11 लोग भी शहीद थे। अलहमदिल्ला यहाँ पर दरुद का दस्तरखान रखा गया और दरुद की महफिल कम्प्लीट होने के बाद दुआओं में हमने खसूसन तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की कामयाबी के लिए और नतायज तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार के हक में आने और भारी अक्सरियत और भारी मेजॉरिटी के साथ उनकी जीत के लिए हमने खसूसी दुआ की और आने वाला जो इलेक्शन है उसमें भी अल्लाह टीआरएस को और 20 साल इस रियासत में इख्तदार पर रखे, क्योंकि कलवाकुंतला चंद्रशेखर साहब एक सेकुलर है। हम पार्टी को हमेशा सेकुलर स्टैंड पर कायम रहने के लिए भी हम दुआ किए और खसूसन हमारा मकसद ये था कि अल्लाह ताला मंगोल के आप पूरे तेलंगाना रियासत को सेकुलर पार्टियों की यहाँ पर हुकूमत हमेशा कायम रखें और हमारी दुआ ये भी थी कि मुल्क में भी अल्लाह ताला सेकुलर हुकूमत को कायम करे। हमारी रियासत के जो सरबा आज कलवाकुंतला चंद्रशेखर राव साहब हैं, अल्लाह उनको मुल्क का वजीर आजम बना दे और उनके फर्जन को इस रियासत का यानी वजीर आला बना दे। हमारी यही दुआ थी, अल्लाह से दुआ थी कि अल्लाह हम सब की मेहनतों को यानी मेहनतों का फल अता फरमाए और हमारी पार्टी को किरदार को कामयाबी दे और हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी मुसलमानों को भी इस पार्टी के जरिए अच्छे से अच्छे बड़े से बड़े उदों पर फाइज करें और अच्छे उनके मुसलमानों को भी अल्लाह ताला राज्यसभा यानी काउंसिल तक भी अल्लाह ले जाए और जितने पार्टी के कारकुन ने काम किया अल्लाह उन्हें सदर नशीर के अहदे भी अता करे, हमारी यही दुआ थी। अल्लाह पाक के आगे हमने हमारी दुआ को रखा है, इंशाल्लाह हमको अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है क्योंकि ये बाबरकत वाली महफिल होती है, इसमें जो भी दुआ की जाती है अल्लाह उसको कबूल फरमाता है, तो अल्लाह पर हमको पूरा भरोसा है, अल्लाह ने हमेशा हमारी दुआ को कबूल किया है। इंशाल्लाह आज भी अल्लाह हमको मायूस नहीं करेगा, इंशाल्लाह हमारी दुआ अल्लाह उसके हबीब के सच्चे में ज़रूर कबूल करेगा। हमारी यही दुआ है कि मुगल का इलेक्शन टीआरएस पार्टी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो, उनके फर्जन जो कमान संभाले थे मुगल इलेक्शन के अल्लाह उनको भी और बुलंदियों तक पहुँचाए और उनको उनके कदम कदम पर अल्लाह उनको कामयाबी दे, बस हमारी यही दुआ है। इंशाल्लाह हम कल अल्लाह पर भरोसा रखकर इलेक्शन के नतज पर इंशाल्लाह नतज इंशाल्लाह तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को अल्लाह ज़रूर फतेह देगा और इंशाल्लाह हम कामयाब भी रहेंगे।